सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं मुरादाबाद आई हूँ और अभी हमने मैंगो शेक लिया है। आज हमारा प्लान है मूवी देखने का। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं वो बताएंगे कृष्णा। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? कौन सी मूवी जा रहे हैं? ब्रह्मास्त्र देखने। मुरादाबाद सब लोग अच्छी बता रहे हैं मूवी। हमने सोचा हम भी देख कर आते हैं, तो इसलिए हमने प्लान बनाया और हम आ गए। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं मूवी हमें कैसी लगी कैसी नहीं लगी, बताएंगे आपको लास्ट में। अभी जस्ट मैं मुरादाबाद पहुंची हूँ और हमने मैंगो शेक लिया है। इसके बाद हम जाएंगे वेव मॉल, वहाँ हम मूवी देखेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, बंद नहीं है, हम जल्दी आए हैं ना। खोल दो इसको, अभी अंदर नहीं जा रहे हो। उधर का मैं ले जाऊंगा। उधर अब हम जा रहे हैं टिकट्स लेने। हम अंदर आ गए हैं। कृष्णा गए हैं टिकट लेने। ऑडी मैंने अभी चेक नहीं किया, उस पर ऑडी 3 है या 2 है। ऑडियो 2 में जाना है, गलती से हमने 3 बोल दिया था, पर चेक किया था हमने 2 निकला टिकट पर।
और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी क्योंकि गाना बैक टू बैक तीन गाने आ गए थे उसमें, सॉन्ग बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, कुछ ज़्यादा ही गाने मूवी में, तो बाद में इंटरेस्टिंग होती गई मूवी और लास्ट तक मज़ा आ गया। मतलब बहुत अच्छी थी, मैंने पहली बार इतनी ध्यान से कोई मूवी देखी है। मतलब मैं मोस्टली जब जाती हूँ देखने के लिए तो फोन चलाने लग जाऊँगी या कुछ करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैंने पूरी कंटिन्यू मूवी देखी है बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान लगा था क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ रहा था मूवी देखने में। और उसका पार्ट टू भी आएगा अभी, हाँ ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि एसी चल रही है वैसे ही। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका, तो अब मैं उसका वेट में रहूँगी कि जल्दी से आए, फिर हम उसके बाद मूवी देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले भूख लग रही है, हाँ अभी हमें भूख लग रही है, हम पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर कोई प्लान नहीं है, देखती हूँ मैं घर चली जाऊँगी, वो अपने घर चली जाएंगे। चलो दिखाते हैं अभी हम क्या करते हैं। सो गाइस, अब हम मुरादाबाद ड्रेस लेना है शोरूम पर, और कल ब्यूटी फंक्शन है उसके लिए, और यहाँ पर अभी ट्राई करके देख रहे हैं माधवी, फाइनल अभी ड्रेस हुई नहीं है कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं। और जो ड्रेस हमको अच्छी लगेगी वो उस ड्रेस को फाइनल कर देंगे हम कल शो के लिए। ब्यूटी तो मेरे पास कॉल आया, मतलब भाभी का कि मतलब ब्यूटीशियन है वो काफ़ी अच्छी, तो उनका कॉल आया कि माधवी कल आपको शो में चलना है एज ए मॉडल। मैंने कहा ओके चलते हैं, कल मैं वैसे भी फ्री हूँ। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह हम लोगों ने करा दिया उनको, और फिर उसके बाद मुझे पता चला, मतलब मेरी फ्रेंड का एक कॉल आया कि उसको पता चल, मतलब उसको पता लगा कि मैं वहाँ आ रही हूँ, तो उसका मेरे पास फ़ोन आ गया कि माधवी आप शो में मत आओ। मैंने कहा क्यों, हमारी सारी तैयारी हो गई है, मैंने ड्रेस वगैरह ले ली है और रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है, हम क्यों ना आए। तो उसने कहा आप मत आओ बिकॉज यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है आप आ रहे हो, क्योंकि शो पहले से डिसाइड है, मतलब डिसाइड है मतलब कौन विनर है वहाँ पर पहले से ही पता है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा यार अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, बिकॉज हमने अपनी सारी तैयारी कर ली, हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, हमने उनको अपना पेमेंट भी दे दिया है और फुल पेमेंट पे कर दिया था, और अगर हम उनसे बोलते भी कि अब हम शो नहीं करना है आप हमारी पेमेंट वापस कर दो, तो वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं करता है। एक बार जब किसी के पास पैसा चला जाता है तो देने का किसी का भी मन नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। तो वही होगा अगर मैं उनको कॉल करती हूँ अभी कि आप मेरे पैसे, मतलब उनके या मेरे पैसे रिटर्न कर दो, तो वो लोग नहीं करेंगे, और करते भी हैं तो कर देंगे, हाफ कर देंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पहले से है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपना बेस्ट देना है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा ही जाना चाहिए। और फिर मैंने सारी तैयारी कर ली है हम लोग ने जाने की, सबको ड्रेस वगैरह, तो मैं कैंसिल तो नहीं कर सकती हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम वहाँ पर विनर हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ स्टेज पर, बस इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैंने जो ड्रेस ली है वो मेरी फेवरेट ड्रेस है, मतलब मुझे ऐसी ड्रेस बहुत पसंद आती है। और जो मेरा लुक है कल का है वो है कॉकटेल लुक, जो मेरा फेवरेट है, आपने सभी ने देखा होगा, मैं मोस्टली किसी फंक्शन में या किसी भी मतलब मॉडलिंग वगैरह में कहीं जाती हूँ तो इसी तरह की ड्रेस पहनती हूँ, बिकॉज वो मेरी हाइट मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा शूट करती है, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड सेक्सी एंड हॉट भी लगती हूँ, तो ऐसा लोग भी कहते हैं और मेरा भी यही मानना है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो कल देखते हैं कि शो कैसा रहता है, और कल का ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाऊंगी बिकॉज वहाँ पूरे दिन मुझे बैठना पड़ेगा मेकअप के लिए, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ ब्लॉगिंग करूँगी। बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारी वीडियो फोटो जो भी है इंस्टा व्हाट्सएप पर आपको दिख जाएंगी सारी वीडियो। तो ठीक है, मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो ठीक है मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।